नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मेरा नाम है शिवम सिंघल, मैं हूं आपका एग्री ट्रेनर। आज हम लोग फिर से एक प्रोडक्ट की ही बात करने वाले हैं। पहले भी हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे वेस्टीज कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है एग्री नैनोटेक। और डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट को किस किस तरीके से आप यूज़ करवा सकते हो, क्या क्या इसका फ़ायदा है, कौन सी क्रॉप पे स्पेशली यूज़ करवा सकते हो, किस टाइप की पैकिंग में आता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है कि आप हाफ नॉलेज लेके उसको यूज़ करवाते हैं तो गलती करने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, फिर भी ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से समझें, उसके बाद हम अपनी फसलों में भी इसको बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं, दूसरे किसानों को भी अच्छा रिजल्ट दिलवा सकते हैं और एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम अपनी टीम को डेवलप भी कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले पैकिंग से। 500 ग्राम की पैकिंग में आता है और पाउडर की फॉर्म में आता है। तो पाउडर की फॉर्म होने का फ़ायदा ये है कि किसान को मिट्टी में प्रयोग करने के लिए ज़्यादा आसान है। आप इसको किसी भी खाद के साथ मिला के डायरेक्ट सोयल एप्लीकेशन करवा सकते हो, और जो व्यक्ति स्प्रे करना चाहता है वो पाउडर को पानी में डिजोल्व करके भी स्प्रे करवा सकता है। मेनली जहाँ तक न्यूट्रिएंट्स की बात है तो आप इसके एक बार पैकेट पे भी चेक कीजिए, पैकेट पे न्यूट्रिएंट्स के नाम भी लिखे हुए हैं क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल है। और मेजरली इसके अंदर सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे कि सेकेंडरी में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको जिंक मिलेगा, आयरन मिलेगा, मॉलिब्डेनम मिलेगा, बोरोन मिलेगा। हालांकि टोटल मिला के सेकेंडरी और माइक्रो लगभग 10 हो जाते हैं, लेकिन उन पूरे 10 की डिटेल हम अलग से किसी वीडियो में समझ सकते हैं। अभी के लिए हमें इतना समझना है कि इसके अंदर मेजरली सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रोडक्ट की बात है वो ये है कि ये प्रोडक्ट नैनो चिलेटिंग तकनीक से निर्माण किया गया है। मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर अवेलेबल है ये नैनो चिलेटेड है। अब नैनो चिलेटेड का देखो फ़ायदा क्या होता है, स्पेशली अगर हम सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो कभी हमने जिंक डाला, सल्फर डाला, तो ये आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट्स बना देते हैं और फसल को वो रिजल्ट नहीं दे पाते जो कि एक्चुअली इनकी प्रेजेंस से मिलना चाहिए। तो चिलेटिंग करने का फायदा ये होता है कि ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। अगर आपने इसको सॉइल में अप्लाई किया है तो ये सॉइल में स्टेबल रहेंगे, सीधा जड़ों तक पहुंचेंगे और फसल को जो रिजल्ट इनको देने चाहिए वो रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी की मिट्टी का पीएच लेवल कम है, मान लो एसिडिक सॉइल है, किसी के अंदर पीएच लेवल ज़्यादा है, मान लो एल्कलाइन सॉइल है, तो पीएच लेवल का भी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बहुत असर पड़ता है उसको भी हम अलग वीडियो में समझ सकते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि पीएच लेवल का चिलेटेड न्यूट्रिएंट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये दोनों प्रकार की मिट्टी में स्टेबल रह के हमारी फसल को अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तीसरा चीज़ ये होता है कि किसी किसी क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, किसी किसी क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। मतलब किसी की फसल इरीगेशन के ऊपर डिपेंड है और किसी की फसल पूरी तरीके से बारिश के ऊपर डिपेंड है। तो किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप नैनोटेक को यूज़ करवा सकते हो। ये हर प्रकार की मिट्टी में स्टेबल रह के फसल को वो रिजल्ट प्रोवाइड करा सकता है जो कि माइक्रो और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाने चाहिए। अगर हमें सॉइल में अप्लाई करना है तो 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करवाएंगे। अब क्योंकि 500 ग्राम बहुत कम होता है तो इसको आप सॉइल में यूज़ करने के लिए किसी चीज़ में मिलाकर आपको यूज़ करवाना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति गोबर की खाद करना चाहता है तो 100 किलो गोबर की खाद के साथ इसको 1 किलो या 500 ग्राम मिला के यूज़ करवा सकता है। कोई अगर बाहर का कोई खाद ला रहा है मार्केट का, उसके साथ मिला के यूज़ करवा सकता है। कोई व्यक्ति वेस्टीज का ही कोई दूसरा प्रोडक्ट ले रहा है जैसे ग्रैनुअल, उसके साथ मिला के यूज़ करवा सकता है। तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि चिलेटिंग है, तो बराबर ये अपने रिजल्ट वहाँ पर दे देगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, कभी भी आपके सामने कोई ऐसा किसान मिलता है जो आपको बोल रहा है कि हमें दाने का साइज़ फुलाना है, या फिर हम कह सकते हैं कि दाना इन द सेंस कि फ्रूट का साइज़ बढ़िया चाहिए, सब्जी का साइज़ बढ़िया चाहिए, या अनाज की फसल है तो अनाज का साइज़ बढ़िया चाहिए, अनाज की क्वालिटी बढ़िया चाहिए, फ्रूट की शेल्फ लाइफ बढ़िया चाहिए, तो इस टाइप के रिजल्ट्स भी हम लोग नैनोटेक से ले सकते हैं। क्योंकि जब भी फ्रूट के सेल्फ लाइफ या साइज़ की बात आएगी तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर आपको ग्रेन का साइज़ या फ्रूट का साइज़ बड़ा करना है तो यूज़ करने का टाइमिंग होना चाहिए फ्रूट आने के पहले, मतलब कि जब फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ चुके हैं, उस टाइम पर आप नैनोटेक को स्प्रे करवा सकते हो 1 से 2 ग्राम पर लीटर, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर का आप यूज़ करवाओगे। अब अगर किसी के यहाँ 500 लीटर, 1000 लीटर का टैंक यूज़ हो रहा है
तो 500 लीटर के टैंक में आप 500 ग्राम प्रति 500 लीटर टैंक में यूज़ करवा सकते हो। अगर किसी के यहाँ पे छोटी फसलें हैं, मान लीजिए किसी का छोटा खेत है, कोई सब्जियाँ कर रहा है, अनाज की फसल कर रहा है, तो वहाँ पे आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर का भी यूज़ करवा सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी व्यक्ति पत्तियों की कोई ऐसी फसल कर रहा है जिसमें पत्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फसल में प्रोवाइड करोगे, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे, तो वो फसलों के अंदर क्लोरोफिल बनने की स्पीड को बढ़ा देगा। क्लोरोफिल आपको मालूम होना चाहिए, वो तत्व है जिसके कारण पत्तियों का रंग हमेशा हरा रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी फसल कर रहा है जिसमें पत्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं और पत्तियों की क्वालिटी आपको बढ़िया चाहिए, मान लीजिए कोई पान कर रहा है उसको पत्ते का साइज़ बड़ा चाहिए, चौड़ा चाहिए सरफेस, कोई व्यक्ति पेपर मिंट कर रहा है जिसका कि ऑयल निकाला जाता है मेंथा, तो आपको उसमें मोटाई चाहिए ताकि ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो, कोई व्यक्ति तंबाकू की फसल कर रहा है जिसमें पत्ते की क्वालिटी बहुत बढ़िया चाहिए, कोई व्यक्ति चाय पत्ती की फसल कर रहा है, और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हो सकती हैं जहाँ पे आपको पत्ती सीधा फील्ड से उठा के सीधा आपको फैक्ट्री में लेके जानी है, तो ऐसी जगह पे भी आप स्पेशली नैनोटेक का प्रयोग करवा सकते हो। ज़्यादा अच्छा है कि आप उसमें एक ह्यूमिक भी मिला लें, तो ह्यूमिक नैनोटेक 82 तीन प्रोडक्ट को मिला के आप यूज़ करवा सकते हो। और नैनोटेक की मात्रा होनी चाहिए 1.5 ग्राम प्रति लीटर या 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करके आप उसी स्प्रे को 20 दिन में रिपीट कर सकते हो। तो जिनकी फसलें लंबी चलती हैं वो 20 से 30 दिन का गैप रख के उसको आगे जाके भी रिपीट कर सकते हैं और अपने खेत में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो मेजरली ये सब बेनिफिट्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, इनको आप इसको यूज़ करवा सकते हो फसलों के अंदर किसान भाइयों के खेत में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके सभी कमेंट्स की और क्वेश्चंस को भरपूर आंसर कर सकूँ। और आगे भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, उसी टाइप की वीडियो हम लोग फिर बनाने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम लोग आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग इस नॉलेज को यूज़ कीजिए और अच्छे रिजल्ट लीजिए, और रिजल्ट जो भी आपके आते हैं उनको भी हमारे साथ शेयर कीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।